सलाम। ए छोटू चाय बना बेटा जल्दी। अभी लाया। अबे सर्वा चाय पिला रहा है आग। ए गाली काहे को देता है बे? अबे सर्वा भाग भाग यहाँ से। क्या हुआ माधव भाई, काहे हंसे जा रहे हो बेशरम कोटरिया की तरह? अरे आज तो कमाल हो गया लाल बहादुर भाई। अरे हुआ क्या बता तो सही। अरे सुबह सुबह कचहरी आ रहा था तो मंडौर घाट पर ऐसा तमाशा देखा कि पूछो मत। अरे ऐसा कहाँ देख लिए भाई, बताइए बताइए। अरे मंडौर की एक औरत नहा रही थी। अच्छा, कसम से लाल बहादुर भाई बार बार उसी को देख रहा था, दिल उछल उछल रहा था। अबे शर्मा हमारी गबन के औरत के बारे में ऐसा बोला, तोड़ेगा फाड़ डालेंगे, तेरी तो फोड़ डालेंगे तेरे वाला। तेरी तो गुदारी पर मार लगता है। माधव भाई को जाके बताता हूँ, तोरी लाश दिख रही है। माधव भाई, माधव भाई, माधव भाई, माधव भाई। यह धरती है बुंदेलों की, घर घर सूर वीर पहलवान, नगर महोबा की बस्ती माँ। उतरा लश्कर जब मोहबे का हर चारों ओर प्रलय मच जाए, उदल उतरे हैं जब रण मा, उदल उतरे हैं जब रण मा दुश्मन गया सन्नाटा खाए, उदल उतरे हैं जब रण मा, उदल उतरे हैं जब रण मा, उदल उतरे हैं जब रण मा, उदल उतरे हैं जब रण मा। बीच कचहरी माँ, एक हरामी ने मंडोर गांव की इज्जत उतार दी और तू ये खुशखबरी यहाँ सुनाने चला है? अरे बड़वे, मैं करके सकता था महादेव भाई। अरे कलेजा निकाल लेवा चाहिए था उस माई के लाल का, खोपड़िया तोड़ तोड़ के चूरा बनाई देता ना। मैं वहाँ अकेला था, वो लोग मुझे गोली मार देते भाई। तो गोली खाई लेता नसीने पर, मोरे गाँव की इज्जत तो मिट्टी में ना मिलती। अरे बीच कचहरी माँ तोरी लाश पड़ी होती, पूरा गाँव आकर तोरे पैर चूमता की हमार नत्थू गाँव के वास्ते लड़के मर गया। पूरे इलाके के लोगों के मुंह पर एक ही बात होती, मर्द पैदा हुआ था मंडोर गाँव में और इस हरामी ने हमारे गांव की इज्जत की रेवड़ी बनाई थी। हम कंफ्यूज है कहां करें। ये साले ने गांव की नाक काट दी। ए भुंडा लो इसे। माधव भाई, माधव भाई, कसम खा रहा हूँ, अगली बार उस साला अगर हमको कचहरी में मिल गया तो ओके काट के मोटी मोटी कटा लूंगा, कसम खा रहा हूँ माधव भाई। ए, चल उठ, चल तोरे कसम पर जान लौटा दी तोरी।
गोली न मार इसे, गांव का हर आदमी एक एक जूता मारेगा, मारो। तेरी माता की नाक कटवाएगी सारे साले, मार सारे को, मार सारे सारे को, मार सारे को, अरे छोड़ दे, अरे मत मार। मैं किचन में होती हूँ, तू बड़े फोन आते हैं आपके, किससे दान निकाल निकाल कर बातें कर रहे थे? अरे दिवाकर के पिताजी का फोन था, बड़े गुस्से में थे, कह रहे थे 5 दिन से फोन कर रहा हूँ, 2 दिन में अगर गांव नहीं पहुँचा तो आकर जूते मारते हुए ले जाएंगे। पता नहीं क्या बात है, कोई मुझे कुछ बताता ही नहीं। अरे तो आपको सुनने की क्या जरूरत है? मैं कहती हूँ किरायेदार रखा है जो सरदर्द परेशान करके रखा है बाप बेटे ने, और वो कहीं आवारा गर्दी कर रहा होगा। हाय चाची। अरे चाचा जी क्या बात है, कोई टेंशन?
दिवाकर मेरी बात मान जा, कल शाम की ट्रेन से गांव चला जा। हाँ। तो आज फिर बाबूजी का फोन आया था। हाँ, और साथ में धमकी भी आई है कि अगर तुम परसों सुबह तक गांव नहीं पहुँचे तो वो खुद यहाँ आ जाएंगे और तुम्हें जूते से मारते हुए लेकर जाएंगे। वैसे इसकी प्रॉब्लम क्या है यार? मैं बताता हूँ। चेतन प्लीज। हे, देयर इज समथिंग, और तुम हमसे कुछ छुपाना चाहते हो, राइट? बोलो चेतन, बोलो। अरे यार, प्रॉब्लम ये है कि इसको मजबूरी में गांव जाना पड़ रहा है और ये साहब है कि जाना नहीं चाहते। क्यों? वहाँ बहुत गड़बड़ है यार, ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं, गवार जाहिल, जरा सी बात पे गोली चला देते हैं, मर्डर कर देते हैं, और ईगो भी इतना है कि किसी को घूर के देख लो तो जान से मार दे। ऐसे माहौल में मेरा दम घुटने लगता है यार। ओह माय गॉड, इंडिया में ऐसी भी जगह है? आई कांट बिलीव दिस। तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो कभी वहाँ जाकर देख लेना। कभी क्यों, अभी चलते हैं तुम्हारे साथ ही। हाँ, पिकनिक की पिकनिक रहेगी और तुम्हारा गाँव भी देख लेंगे। गाइज, ये देख लो, मेरे गांव का छोटा सा स्टेशन। वाओ, गुड यार। अरे प्रणाम भैया जी। अरे अरे, हे, बहुत मारूंगा। चिलकोना, ये सब मेरे दोस्त हैं, शहर से आए हैं गांव घूमने के लिए। अच्छा है, अच्छा है। है ना, ये है चिलकोना, मेरे बचपन का दोस्त। पहले इसके बाप हमारे घर में काम करते थे, अब ये करता है, मगर ये मेरा खास दोस्त है, मेरा यार। चिलकोना, इट्स अ वेरी स्वीट नेम। आप भी तो बहुत अच्छी हैं, एकदम लाल टमाटर की तरह। चिलकोना। देख देख देख, बंदूक। अरे देख, इसके पास भी बंदूक। हाँ यार। चिलकोना, कहा है यहाँ के लोग बंदूक लेकर क्यों घूम रहे हैं? कुछ गड़बड़ है क्या? अरे गड़बड़ काहे की भैया जी, यहाँ तो हर घर में दो बंदूक मिलेगी। दो? हाँ, यहाँ जब लड़का जवान होता है तो कमबख्त औरत के साथ नहीं, बंदूकिया के साथ सोता है। हाँ, लेकिन हम जवान हुए तो हमने कौनो बंदूक बंदूक नहीं चलाई, न सोए इनके साथ। कहा भैया जल्दी चलो ना, कहा धीरे चल रहे हो। ये हंसने की बात नहीं है पंडित जी, कल्लू पंडित मोरी बीबी को भगा के ले गया। धूमे ना व्रियते वनहिर यथा दर्शो मलेन च, यथोल बेना वृत्तो गर्भस्थता तेने दमावृत्तम। अर्थात धूमे से आग, धूल से दर्पण और पेट से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार काम द्वारा ज्ञान ढका रहता है। बेचारे कल्लू को काम के जोश में होश ही नहीं रहा होगा कि वो तेरी बीवी को भगा के ले जा रहा है। काम का मतलब समझते हो ना? ये लो। ये समझता ही नहीं है मूर्ख। अरे रोक 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 रोक, ए तो अपना दिवाकर है। प्रणाम पंडित जी। हाँ, जीता रहे जीता रहे भाई, आ जाओ आ जाओ। राम चाचा, खुश रहे खुश रहे। चाचा, ये हमारे दोस्त है, शहर से आए हैं गांव घूमने के लिए। और ये जवाहर पंडित जी हैं, हमारे गांव के मुखिया। अरे हम काहे का मुखिया है, सबसे बड़ा मुखिया तो वो है ऊपर वाला, हम तो उसके भगत है, क्यों? बड़े प्यारे बच्चे हैं। ए पंचा, लस्सी ला रहे और घाड़े दे की बनाना। हाँ हाँ पंडित जी। बड़े प्यारे बच्चे, वो क्या कहते हैं सलोने? ब्यूटीफुल। हाँ ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल नहीं, ब्यूटीफुल। वो जो भी हो, हम तो अपनी बोली जानते हैं ना। बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं। आओ आओ, यहाँ बैठो। आओ 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 आओ, कितनी देर खड़ी रहोगे, आ जाओ। तुम लोग वहां जाके बैठो, जा। अरे का ताक रहा है, जा, भूखा कहीं का। पंडित जी, हम इतने बड़े परेशानी में हैं और आप हमरे बातें नहीं सुन रहे हैं। अरे सुन लिया ना रे, तेरा प्रॉब्लम सुन लिया ना। अब तो मुझे एक बात सच्ची सच्ची बता भाई, का? कि तेरी बीवी तेरे को छोड़ के भागी क्यों? अच्छा अच्छा, मैं बच्चा लोगों से पूछता हूँ, इसकी बीवी इसे छोड़ के भागी क्यों? सिंपल, उसको मारता पीटा होगा। अरे मारना पीटना तो चलता रहता, गलत, ये उसके साथ सोता नहीं था। और मारो लतम जूता साले को। ए देख, आ गया तोरी बीवी का यार। स्टेशन से पकड़ के लाए हैं बाबूजी, दो चार मिनट की देर हो जाती तो बैठे रहता ससुर बंबई जाने की गाड़ी में। अरे जाता कहाँ, पांच पांच बच्चे ऐसा थोड़ी पैदा किए हैं, पाताल से पकड़ कर लाता साले को। वो कुलक्षिणी किधर है? उसे उसके घर में बंद कराए बाबूजी। ए कल्लू,
का किया रहे तू? अरे पंडित जी, पंडित जी गंगा उठवा लीजिए, पंडित जी गंगा उठवा लीजिए। पंडित जी आपकी कसम, आपके बच्चों की कसम, बच्चों की कसम, आपकी स्वर्गवासी बीवी की कसम, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, इसकी पत्नी खुद भाग के मेरे पास आई थी, मेरे साथ खुद भागी थी और हर रोज मेरे घर में घुस आती थी जबरदस्ती। कहती थी मेरे बदन में बहुत दर्द है, यहाँ दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, मैं दबाता था। तू कहाँ रहता था रात में साले? रात को फसल काटने जाता था, दिन में बहुत धूप होता है ना, तो रात को फसल काटे रहा है, दिन में हल चलाए रहा। देखिए कुआं खुद प्यासे के पास चल कर आए तो क्या प्यासा अपनी प्यास नहीं बुझाएगा पंडित जी? अरे रुक रुक, ए महेश्वर, तूने कभी किसी को मारा नहीं ना? ना। मार इसे, मार। पंडित जी, पंडित जी अब और मत पिटवाइए पंडित जी, मैं आपके पैर की जूती पंडित जी, पंडित जी मैं आपके घर का कुत्ता पंडित जी, पंडित जी मैं आपकी बीवी का भाई पंडित जी, पंडित जी लोग बहुत पिटा है मुझे, और मत पिटवाइए पंडित जी। ले जाए जी, गजब का मार। अरे अरे कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो? अच्छा जाना है, जा जा जा, अरे कुछ तो जाने दो, मार मार। भगाना था तो साले मंडल गांव के किसी माँ बेटी को भगाना था, अपने गांव में सेंध भाजी मारा साले, और दस साल खुश रहो। दादाजी ये सब मेरे दोस्त हैं। नमस्ते। खुश रहो। इतने दिनों से तो फोन कर रहा था, अब समय मिल गया तो है। प्रणाम बाबूजी। खुश रहे। बाबूजी इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर है, पढ़ाई में बहुत ध्यान देना पड़ता है, ये सब मेरे दोस्त हैं। हेलो, प्रणाम। हाय। अच्छा हुआ इन लोगों को साथ ले आया, तोरी शादी में शामिल हो लेंगे। हैं? मेरी शादी? हाँ, मंडोर गांव की एक लड़की है, उससे तोरी शादी तय की है मैंने, बहुत अच्छा रिश्ता है। बाबूजी ये रिश्ता नहीं हो सकता। क्यों, क्यों नहीं हो सकता है रिश्ता? बाबूजी पहले अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा, उसके बाद शादी की सोचूंगा। अरे तो छोड़ दे पढ़ाई, दिल लगाने गई पढ़ाई, लेकिन शादी अभी होगी, जब ये रिश्ता मैंने तय किया है तो शादी होकर रहेगी, ये मेरी इज्जत का सवाल है। बाबूजी ये मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं अभी शादी नहीं करूंगा। आखिरी बार बता तू क्या करेगा, फैसला कर अभी, तू ना बोलेगा तो इस बंदूक की गोली मैं अपने सर में उतार लूंगा, बोल। अरे ओ बुर्बक, तू काहे को मर रहा है रे, मारना है तो इसे गोली मार, गांव में बहुत से लोग हैं तेरे चिता को आग देने के लिए, कम से कम इस नालायक से तेरा पीछा तो छूटेगा। दादाजी तू चुप रहा हरामी, मैं कहता हूँ इसे गोली मार, पसार दे यहीं पे, और एक बूंद भी आंसू अगर निकला तो तू अपने बाप की औलाद नहीं, मैं कहता हूँ मार इसे, मार। ये यहाँ क्यों नहीं कहते थे? तू फैसला कर ले और बता मुझे, या तो तोरी शादी होगी या मोरी लाज गिरेगी। Oh my God, what a relationship! ये कैसा गांव है? इसीलिए मैं गांव नहीं आ रहा था, मुझे पता था यहाँ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो यार, things are very interesting। लेकिन यार तू करेगा भी क्या? अरे करना क्या है, टेंशन में छोड़िए, शादी करिए, शादी के बाद देखिए मजा ही मजा है। क्या सपने देखे थे मैंने, कि एक खूबसूरत और समझदार लड़की आएगी मेरी जिंदगी में। इतनी जल्दी शादी तय करनी जरूरी थी क्या? तेरी शादी कब करनी है तुझसे पूछने की जरूरत नहीं है मुझे। लेकिन भैया, मैंने जो ठीक समझा भाई किया है। चुप कर, चल यहां से। इतनी जल्दी थी शादी करने की, तू मुझे शहर में पढ़ने वास्ते क्यों भेजा? ठीक है ठीक है, उम्र हो गई ने मेरी शादी की, बूढ़ी हो जा रही हूँ ना मैं, मुझे समझाओ मत, अभी तुम पर बड़ा गुस्सा आ रहा है मुझे बापू।
बाबूजी पानी। अभी चलो ज्यादा बाबूजी से बहस मत करो, हाथ मुंह धो लो। दादी दादी मुझे दो पूजा की माला। खंडित कर दिया ना बदमाश कहीं की, ये लो ले लड्डू खा ले। इतने सारे लड्डू? इतने सारे लड्डू मैं कैसे खाऊं दादी? इतने सारे लड्डू कैसे खाऊंगी? मुँह खोल आकर आओ। आप लोगों ने मुझसे बिना पूछे शादी तय कर दी? अरे बिटियन से कहाँ पूछी जाते बेटी, पर तू फिकर ना कर, तोहरे वास्ते बड़ा ही अच्छा लड़का ढूंढा है हमने। दादी शादी से पहले मैं लड़के को देखना चाहती हूँ। इसमें हंसने की क्या बात है? अरे कैसी अनोखी बात कह दी बिटिया, शहर जाके इस गांव की रीति रिवाज भूल गई का? अरे हमने तो थोड़े दादाजी का चेहरा तब देखा था जब मैं 3 बच्चों की माँ बन गई थी। हाँ दादी तब की बात और थी। लता भैया। ए लता का है अगर का कह रही है? कुछ नहीं बिटवा, तुम अपना काम करो। इस गांव का रीति रिवाज अब भी कुछ नहीं बदला, कभी ऐसी बात जुबान पर मत लाना, तोरा भाई सुन लेगा तो जान से मार देगा। राम राम। नमस्कार चाचा, प्रणाम। चाचा ये विद्या के शादी का कार्ड है, 7 तारीख को बारात आने वाली है। जा कीर्ति के पास दे। जी। किधर तय की है रे शादी? अमरपुर में। अमरपुर? हाँ चाचा। देख शिवा, अमरपुर का पानी दोगला, वहां के लोग दोगले। वहां शादी करने से अच्छा होवेगा कि गला घोट कर कुएं में डाल दे अपनी बहन को। चाचा वो लड़का शहर में पढ़ता है, अगर थोड़ा मेहनत करेगा तो दरी नौकरी भी कर लेगा। मौसी की मूछे होती तो उसे मौसा कहते हैं, वही बात कर रहा है रे तू? तो है पता नहीं रहा, जब 100 हरामी मरे तो अमरपुर का 1 आदमी पैदा हुआ। तोरा बाप गुंगा है, तोरी जुबान में भी दही जम गया था का? आकर पूछ नहीं सकता था मुझसे? कीर्ति से कहा था चाचा। चल जॉन किया अच्छा किया, अब सोचे का ये है कि हमारे गांव के साथ अच्छा हो। बहुत दगाबाज और बेईमान खून है अमरपुर के पंडितों का, हरामी पना करेंगे यहाँ आए के वो। ए कीर्ति। हाँ भैया। निया जाओ जाके बोल गांव के लोगन को तैयारी बराबर का होवे का चाहिए। हाँ भैया। इधर आके वो छींके भी तो बोली सीधी खोपड़ी में चले। ठीक है भैया। ये पंछी ससुरा अमरपुर से उड़कर आया लगता है, जो खिलावे उसी के सर पे हकता है। ए कीर्ति मार इसे, उड़ा दे चिथड़े इसके। अरे पंछी है इसे मारेंगे का? दुगला है भुंडाल। ससुरे साले ऐसा चुपचाप खड़े हैं जैसे इनकी मैया मर गई हो। अरे ये तो पूछो कि मैंने सुबह सुबह तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। ये सुधाकर के बेटे दिवाकर की बारात मंडोर गांव जाने वाली है, और मंडोर गांव का मतलब का? पंडित जी मंडोर गांव का मतलब भेड़ियों का गांव, कुत्तों का गांव, कमीनों का गांव। उनकी माँ को चोर ले जाए, हो जाए सबका राम नाम सत्य। क्या बात है जितारे प्यारे, वाह। एक बात नोट करके चला जाए, वहां मंडोर में कुछ भी हो सकता है, इसलिए बारात में कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं जाएगा। नहीं जाएगा वही जो दना दन गोली चला सके और मौका पड़ने पर भाग सके। एक बात याद रखना, नाक न कटा चाहिए अमरपुर की, चाहे मंडोर गांव के हर आदमी की गर्दन कट जाए। पंडित जी मेरी एक ही आंख है और ये ससुरी 3 दिन से जवान औरत की तरह फड़क रही है, मुझे तो लगता है इस बार मार हो ही जाएगा।
ये बताओ हथियार कितने हैं गाँव में? पंडित जी 200 दो नाली, 50 एक नाली और 50 राइफल है, कुल मिला के 300 है। 300? अरे 300 बंदूक से क्या होगा? राजापुर के घने भाई को खबर देकर 500 बंदूक और मंगवा दो। मुझे इस बारात में खून बहता हुआ नजर आ रहा है। चलो हो गया सबका राम नाम सत्य। चल गुलवा सामान उठा। जय राम जी की चाचा। खुश रहा। चलो अंदर चलो। हाय सलोनी। हाय बच्चिया। लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड सेक्सी। ए राम सर। हाँ भाई। इधर आ, क्या क्या लाया दिखा, देख देख का चेक कर दे। हाँ हाँ, तेल पिला रहे हो? अगर ढंग से पिलाओ। दिखा भाई दिखा। हाँ दिखाता हूँ। तैयारी पूरी होनी चाहिए, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, समझे? जरा देख टिक्का। हाँ इसमें की 40 है। फायर करती है दबा के। एक उसी महादेव की धोती में। अरे बताओ भैया कितनी है? 40 40 40। अरे चुप कर ससुरे। 80 है। 80? एक आंख से देखता है आधी दिखाई देती है। 80 है। ओ, बाकी कब आ रही है बेटे? बाबूजी कल सुबह। बांट दो पूरे गांव में जा। खूब तैयारी करवाए जवाहर पंडित बचवा शादी के लिए। फुला भाई फुला। तेलवा तेलवा ठीक से पिया तो नहीं? उतना मजबूत रगड़ रगड़ के साफ कर तो नहीं? बाबूजी आपसे एक जरूरी बात पूछनी है। हाँ बोल। बाबूजी मेरी शादी होने जा रही है, कोई महाभारत होने जा रहा है, पूरा गांव बंदूक के सफाई में क्यों लगा है? ए बेटा तू चुपचाप शादी कर ले, ज्यादा बदकुट्टी मत कर, समझा कि नहीं? ये आजकल के लड़के चार अक्षर क्या पढ़ लिया अपने आप को बाप का बाप समझने लगते हैं। ए तू शुरू हो जा, तुझे अभी पानी लेकर दुल्हन के गाँव जाना है, समझा कि नहीं? दूल्हे का पानी आ गया दादी। दादी ये दूल्हे का पानी क्या होता है? ये एक रिचुअल है, दूल्हे को हल्दी का उपटन लगाकर बारात निकलने से पहले जिस पानी से नहलाते हैं वो पानी दुल्हन के घर जाता है। हाँ, और इस पानी से दुल्हन नहाकर दूल्हे के रंग में जिंदगी भर के लिए रंग जाती है। अच्छा स्वागत करो रे बारातियों का। आजा। बारात लेके आया है। एक बात कहूं बुरा मत मानना, ये मंडोर के बंदूकों की आवाज पटाखे की आवाज लग रही है। ये मंडोर के बंदूकों की खासियत है, एक खोपड़ी से निकलकर दूसरी खोपड़ी में कब घुस जाती है पता नहीं चलता। बा 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 भैया बा। अरे वो देख लाल साड़ी वाले। ओ हो।
वाह, महादेव बात करता है गोली बंदूक की, और ये गांव की औरतें अपने नाजुक होंठों से क्या मीठे मीठे गाने सुना। पंडित, ये जल गई, महादेव की जल गई। अरे भैया, मैं तो मजाक कर रहा था, तेरा मेरा मजाक का रिश्ता, मैं तो मजाक करूंगा, तेरी चलती है तो जलने दे। लेकिन एक बात है, आज तू भैया बहुत खुश हो जाए, ऐसी नचनिया लाया, ताप की लौंडी है, का नाचती है, का ठुमका देती है। वो का बोल रही थी, कुलबंद लादे बनारस के, मैं दूंगी रे राजा 1000 ठुमके। बाह भैया, 16 साल का तूफान जो है। लेकिन वो कहावत है ना कि औरत की उम्र या पन्ना जा, औरत का जोबनिया का जोर जो है, अरे देखेगा तो आंखें फाड़ के देखते रह जाएगा। नाच तू ही देख और अपने लोगन को दिखा, मैं औरत की मजबूरी का तमाशा नहीं देखता। हाँ तू नाचता है तो बोल, मैं बैठता हूँ। लो अब तो रिजल गई, पछुआ से धुआं आ रहा है। चल चल चलो। अरे जरा घूंघट तो उठाइए, तस्वीर खींच लूं दुल्हन की। ए फोटो वाले, हाथ ला। दूल्हे के पहले दुल्हन यहाँ की शक्ल देखेगा का? चला ऐसे ही खींच। अरे मोरी ना ही उकी, ऐसे ही खूबसूरत दिखती है हमारी बिटिया, एक नहीं दुई खींच।
पाना नहीं होगा। ए बंद कर साली, बंद कर, बंद कर, नहीं तो सारी की सारी गोलियां तेरे मुंह में ठूस दूंगा। अरे पहलवान, क्या तकलीफ है? ये मुन्नी नाम से गाना काहे नहीं गा सकती रे? महादेवा भाई की बेटी का नाम मुन्नी है और हमारे गांव की इज्जत का बात है। अगर मुन्नी नाम का गाना हुआ तो यहाँ लाशें बिक जाएंगी, लाशें। अच्छा है महादेव की बीवी का नाम मुन्नी नहीं है। जवान तेरी तो, जवान तेरी तो, साले को पता, अभी जाके महादेव भाई को बता दो। ओके, नाम का कुत्ता पालू रे। ए, बंदूक पे गोलियां भरो। इधर आओ, इधर आओ। हमको मंडोर के सुरमा गिराओ लाश सालों की। एक को बाराती बच खाना चाहिए। अरे गोली चल गई, गोली चल गई। अरे गोली चल गई, बेटा तू अंदर जा। लता, लता एक लाइक जा जल्दी। ए महादेव, ये तेरे बाप के नाम की गोली। ए रणवे को नदी तक पहुंचने न दे, उसके पहले घर ले जा रखो। अरे के को चुन के मारो। मेरा साल को हम कुत्ता ही बिहार की बचने पाए। ए खाली कर दो मंडर को। गोली चला दे रहा हूं। अरे महादेव गोली मार कहीं करे। बाबूजी क्या हुआ? पूरा मंडोर महादेव की बहन का। चार दिन बाद आके गांव में ट्रैक्टर चलाऊंगा, उड़वाऊंगा कट्टा। चला रे, चला, चला। उपिया, हाँ, तुम्हारी माँ का। उपिया, हाँ, उपिया रे। आग लगा दी रे बड़वे ने गांव में। चलो चले, चले चाहे कोई भगवान को दूर ले जा। फेंक किसी, पानी फेंक, पानी फेंक। पुंडरीकाक्षम प्रेतमोक्षा प्रदो भवा। ओम शांति शांति शांति। तुम्हारा मृत्यु का क्रियाक्रम का कार्य पूरा हुआ महादेव। अब तुम जीवित रहते हुए भी मरे हुए आदमी के समान हो। मंत्र पुष्पांजलि। दम श्राद्धम ऋषिकेश तक्षत्वम सर्वतो दिशः। ये महादेव क्या कर रहा है? ये अपना क्रियाक्रम करवा रहा है सर। क्रियाक्रम? लेकिन मृत्यु से पहले? सर वैसे तो आदमी के मरने के बाद उसका क्रियाक्रम होता है, लेकिन ये मरने से पहले ही अपना क्रियाक्रम करवा रहा है ताकि इसे मौत का भय न रहे। ओह माय गॉड, इट मींस ये बड़ा ही खतरनाक आदमी है। जी हाँ सर, खतरनाक भी और सनकी भी, कभी भी कुछ भी कर सकता है। और हाँ सर, इसकी मर्जी के बिना गाँव में एक पत्ता तक नहीं हिल सकता।
जिस काम के वास्ते मैंने यह क्रियाक्रम किया मेरा वो काम पूरा हो गया। महादेव मुझे तुम्हारी गवाही चाहिए और साथ में उन लोगों के नाम भी जिन लोगों ने इस गांव में आग लगाई। आग गांव माना ही यहाँ लगी है मोरे कलेजे मा, इसकी गवाही नहीं फैसला होगा और मैं करूंगा। गुस्से को कंट्रोल करो महादेव, दोषियों को सजा कानून देगा। कानून को डाल तेरे पॉकेट में। महादेव! गोली मार दूंगा। गोली मारेगा तू? चल चला चला गोली। अरे गोली चलावे के लिए गुर्दा चाहिए, खाकी वर्दी नहीं, समझाना। पुलिस को समझाने की कोशिश मत करो महादेव, मैंने तो सुना है कि गलती तुम्हारे गांव वालों की थी, उन्होंने छोटी सी मामूली सी बात के लिए बवाल कर दिया। की इज्जत से खिलवाड़ तो है, मामूली बात लागत है हा? बहुत पढ़ा लिखा है ना, जा देख अपने पोथियन में, बता मुझे बड़ी बात का होता है, जा। कानून को हाथ में लेने की गलती मत करना महादेव, वार्निंग दे रहा हूं मैं तुम्हें। भैया इससे कुछ नहीं होने वाला, ये सब मन बहलाने की बात है बस और कुछ नहीं। चल खाना खा ले। अब क्या खाऊंगा मैं है? और गले से उतरे तब ना, क्रियाक्रम हो रहा है साला, क्रियाक्रम हो जाने से है? पूरा हो जाएगा बदला, सारा इलाका थू-थू कर रहा है हम पर। हट, नाम डूब गया आज हमारे बाप का। लाए पानी ला। औरत की तरह मुंह छिपा के भागने से कुछ नहीं होगा, तमाशा बना देंगे गांव के लोग, लड़ना पड़ेगा सीना तान के। दो ही घंटे से पटर पटर किया जा रहा है, कलेजा खींच लूंगा दोबारा, जुबान खोली मोरे सामने तो। चल खाना खाई ले चुपके से, खिला दे उसे। बहुत बाप बनने जा रहा है मेरा। बस भी करो ना, देखो मर्द हो के ऐसा रोना अच्छा लगता है का? भैया की हर चीज से प्यार है तुम्हें, फिर उनके गुस्से से भी प्यार करो ना। रोने बस बस। सुनो भाई गांव वालों, ये पंचायत नहीं है, ये गांव का कोर्ट है, अदालत है। आज अदालत में ई फैसला होई कि अमरपुर गांव का इलाज किया जाए। और क्या किया जाए? हाँ, मैं तो कहता हूं कि जन बच्चा समेत घुस जाया जाए अमरपुर गांव में और जन संघार कर दिया जाए वहां। हम तो कहते हैं एक काम किया जाए, जवाहर के पांचों लौंडों की मुंडी काट के लाए आए और ललकार आए सालों को, जौन माई के दूध पियो आए के ले जाए मुंडी। अरे यही सब करे की क्या जरूरत है, जलकर मर्दों को काट दिया जाए और औरतों को नंगे पैर दौड़ा दिया जाए खेतन में इनके पंडितन का। अबे भड़वे, मर्द है तो सीने में गोली मारने की कुव्वत रख, औरत के नाम की गाली दिया तो यही गाड़ दूंगा खुद के। चल वट। अपना तो उसूल सौ टक्का पक्का है, गाली नहीं गोली दो वो भी सीधी खोपड़ी माँ। तो फिर फैसला सुनाओ भाई, क्या करना है हम लोगों को? देखो इस लड़ाई में हमारा दुश्मन है अमरपुर गाँव और हमारा शिकार है जवाहिर पंडित। धरती पाताल छान मारो और पकड़ कर ले आओ जवाहिरा को हमारे पास, वो भी जिंदा। लाएंगे भाई, जरूर पकड़ के लाएंगे। चाचा हमका तो डाउट होता है, वो लोग जबरन विद्या को विदा कराने आएंगे, आखिर विद्या बहु है उस गांव की, इज्जत है अमरपुर की। अब अमरपुर की इज्जत इस गांव में रहेगी, जिंदगी भर विधवा बनकर रहेगी विद्या यहाँ। अमरपुर वालों ने अपने माँ की छाती का दूध पिया होगा तो आके विदा कर ले जाए। ये तो गजब का फैसला होए, यही होए को चाहिए, यही हाँ यही होगा, यही होगा। अब ये गांव खड़ा है और विद्या दोनों गांव की इज्जत, जो इस अखाड़े में जीतेगा अपनी इज्जत लेके जाएगा। हे शिवा, हाँ चाचा। हाँ मिटाए दे सिंदूर, मिटाए दे अमरपुर की निशानियों के माथक से।
बापू। टा दे ये सिंदूर माथे से और एक बात कान खोलकर सुन ले, आज से तू विधवा हो गई। सुन, हम में दम है, गुर्दा है हमार सीना मा, जिंदगी भर तो का ही घर में बैठा के खिलाऊ, लेकिन तू उन हरामियों के घर में बहू बन के नहीं जाएगी। मैंने कुछ सोचा नहीं, वैसे भी इस लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहता था मैं, अच्छा हुआ पीछा छूटा। But now she's your wife. I don't care. ना मैं उससे पहले कभी मिला हूं और ना उसके बारे में जानता हूं और ना जानना चाहता हूं। भैया जी, क्या हुआ? पंडित जी की बैठक में पूरे गांव की पंचायत हो रही है। किस बात के लिए? मैंने सुना है मंडोर पे चढ़ाई करेगा पूरा गांव और जबरदस्ती भाभी को ले आएंगे। क्या? हाँ। गांव वालों को जो भी करना है वो करें, लेकिन इस बार मैं गांव से गया तो वापस कभी नहीं आऊंगा। भगवान जी ने कहा है, अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा बौद्ध पक्ष माहिम, यानी जो लड़ते हुए मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा और जो जीतेगा वो पृथ्वी का भोग करेगा। ये भी धर्म युद्ध है, जिन्हें मरने की परवाह किए बिना लड़ना होगा। जवाहर पंडित, जवाहर पंडित, राम नाम सत्य है, जवाहर पंडित, जवाहर पंडित। क्या हुआ? परलय होने वाला है पंडित जी, परलय होने वाला है। महादेव ने अपना क्रियाकर्म करा लिया है और आपको उड़ा देने की कसम खाई है। सच्ची बात तो ये है कि मैंने भी कल रात को सपना देखा था कि आप मर गए। कौवा, चील, गीत, कुत्ता सब आपकी लाश। अरे तेरी पंडित जी, सपना ही ऐसा देखा था तो मेरा क्या कुछ। अरे दोबारा ऐसा सपना देखा तो दूसरी आंख भी नोच लूंगा। नहीं नहीं पंडित जी, नहीं, वो मुझे मारेगा, वो मारेगा मुझे। दिल तो करता है अभी साला मंडोरों में घुस जाऊं और उसकी धोती के नीचे बंदूक डाल के गोली चलाई दूं। राम नाम सत्य पंडित जी, लेकिन मंडोर में भी बंदूकें हैं और उनकी बंदूकों से राख नहीं, गोलियां ही निकलती हैं। लतखोर कहीं का। ए सुधाकर, सुधाकर, अब तो भैया अपनी बहू विदा होकर बाद में आए, पहले तो महादेव और उसके भाई कीर्ति की लाश गिरेगी। ये मेरा अंतिम फैसला है, तुझे ऐतराज है तो बोल। आपका फैसला 100% सही है जवाहर भाई, मुझे कोई इतराज नहीं। बस अब आएगा खेल का मजा, राम नाम सत्य है। बाबूजी ये कहाँ है? चुप कर रहे ससुरे। सुनिए, विद्या को विदा कर दीजिए। अभी उम्र ही का है ओकी, सारी जिंदगानी घुट घुट के मर जाएगी वो। विद्या विदा नहीं होगी, उसके लिए लाशें गिरेंगी। जरा इतना तो सोचिए, अगर विद्या की जगह आपकी अपनी बेटी होती तो मैं पहले उस पर गोली बरसाता ताकि कोई मोह ना रहे और मैं अपना काम कर सकूं। जरा सोचिए। मोह समझाने की कोशिश ना कर, तू चूल्हे की आग संभाल, मैं बाहर की आग संभालूंगा, चल निकल। अरे ना खाना तो ना खाओ, कम से कम ये तरह उनकी बेइज्जती तो मत करो। ना जाने और काका दिखाएगी ननन रानी की किस्मत। अरे 2000 गोलियां चली है शादी में, एक गोली तुझे लग जाती तो पीछा छूट जाता। ए, तो कर रहे? हाँ, छाती में बिठा के रखो इसे। बहुत बोले लगी है ससुरी। बापू खा लीजिए ना।
विद्या, कुछ कहना है क्या? भैया मुझे पढ़ने के लिए वापस शहर भेज दो भैया, वहां पढ़ लिख कर छोटी मोटी नौकरी कर लूंगी, अपनी जिंदगी खुद जी लूंगी। यहां तो मैं घुट घुट के मर जाऊंगी भैया। विद्या तू जाने की तैयारी कर। चाचा को प्रणाम कर। ईंटों का बड़ा चूरा हुआ रे इस बार भट्टे में। चाचा। अरे विद्या। ए सुखी रे, कहाँ जा रही है? शहर, कहती है पढ़ लिख के नौकरी करेगी। और जो सीधा अमरपुर का रास्ता पकड़ लिया तो जिम्मेदार कौन होगा, तू या तेरा बाप? मैं अमरपुर नहीं जाऊंगी। यही में तोरी और तेरे घर वालों की भलाई है। जा पढ़ लिख, मिडल कमा, नाम कर दे शहर में हमरे गांव का। भैया हाँ। इसे गांव से बाहर ना जाने दो। जाई दे रे भाई, भौजाई बाप दादी यही गांव में तो है, और बिटिया हमरी बड़ी समझदार है। ए जा सिवा जा, ट्रेन का टाइम हो गया, जा चल। लुक गाइस, मैंने ये फैसला कर लिया है कि इंजीनियरिंग खत्म करके मैं अमेरिका चला जाऊंगा और वहाँ अपनी मनपसंद लड़की के साथ शादी करूंगा। सुनो हाँ बेटे, ये सपना देखने से पहले अपने बाप के जूते जरूर देख लेना। और बंदूक भी। अरे तुम लोग मेरे दोस्त हो या दुश्मन? हौसला बढ़ाने के बजाय दिल तोड़ रहे हो। चलो यही कंपार्टमेंट है, चलो चलो। हाँ चलो। अरे अरे तेरा दिल अब तेरे पास कहाँ है यार, तेरा दिल गया हमारी भाभी के पास। चलो आजा। पॉली मेरा बैग संभाल के रखना वरना बहुत मारोगी। मुझे वहां बैठने दो। चलना तो मेरे पास बैठो ना। तुम तो हमेशा शक्ल तो दे किसी की। अरे इसकी शक्ल थोड़ी तो मत बिटियो में। बहुत जो देखो वो बंदूक लेके घूमता था। बात साहब उठो, स्टेशन आ गया, सामान है साहब। पॉली उठो, दिवाकर तुम कहाँ जा रहे हो? तेरे साथ बहुत बुरा हुआ विद्या, अब क्या करेगी तू? मुझे खुद पता नहीं सलोनी, मुझे क्या करना चाहिए। तू अपने हस्बैंड के गांव क्यों नहीं चली जाती? मैंने ऐसी गलती की तो मेरे घर में कोई जिंदा नहीं बचेगा। ओ गॉड सलोनी, मैं सोचती हूँ कि पढ़ाई खत्म करके मैं कोई नौकरी कर लूँ। तुम्हारे पास इसके सिवा कोई रास्ता भी तो नहीं है विद्या। हे लुक विद्या, हाय। अरे तू कब आई यार, बताया भी नहीं, कब आई? चलो ना विद्या, कम ऑन। हे गर्ल्स, पूजा, निशा, सलीमा, शबाना, कविता, एवरीवन कम ऑन, लुक देखो कौन आया है। हे विद्या, यू आर सच एन इडियट यार, तुमने बताया भी नहीं तुमने शादी कर ली। विद्या दिस इज नॉट फेयर, कम ऑन गर्ल्स, कम ऑन फास्ट गर्ल, कम ऑन।
चल विद्या, चल ना। चलो अब हम लोग विद्या को माफ कर देते हैं, लेकिन हमारी शर्त है अगर विद्या जल्दी से बता दे कि हमारे जीजा जी कैसे हैं। और इतना ही नहीं, मुझे तो गोल्डन नाइट का पूरा किस्सा सुनना है, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। मुझे परेशान मत करो तुम लोग। हम तुम्हें क्या परेशान करेंगे डार्लिंग, जीजा जी ने ऑलरेडी इतना परेशान किया हुआ है कि हमें परेशान करने की जरूरत ही नहीं है। तुम लोग नहीं मानोगे ना, नहीं मानोगे तुम लोग, तो मैं चली जाती हूँ, मैं चली जाती हूँ। सलोनी क्या हुआ इसे? अरे इतना सोच सोच के क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो? तुम्हारी बीवी के बारे में सोचने के लिए तो पूरा गांव पड़ा है। मैं अपनी बीवी के बारे में नहीं सोच रहा। तो और किसके बारे में सोच रहे हो? वो जो ट्रेन में मिली थी, ब्यूटीफुल लड़की थी चाची, काफी परेशान लग रही थी बेचारी। पता है पूरी रात मैं उसे देखता रहा, और पूरी रात वो डर के मारे जागती रही। सुबह सुबह जरा सी आंख लगी और पता नहीं कहां गायब हो गई। इस तरह बहुत से लोग रास्ते में मिलते हैं और गायब हो जाते हैं। तुम चाय पियो और फिक्र करो अपनी बीवी की, जिसके साथ सांप फेरे लिए हैं। एक बात बताऊं चाची, मैंने कभी उस लड़की को अपनी बीवी माना ही नहीं, और ना ही कभी मेरी लाइफ में आएगी। अरे हुआ क्या? मैं भी आ रहा हूँ। अरे अरे दिवाकर सुन तो, लेकिन बात क्या है दिवाकर? अरे क्या हो गया ऐसे? बैठ सकता हूं? मैडम आज तो कॉलेज बंद है। जानती हूँ, मैं लाइब्रेरी जा रही थी। अच्छा। हाय। तुम देखो। रिलैक्स, मैं कह रही हूँ ना मुझसे दूर रहो। डोंट वरी, मैं वैसा नहीं हूँ। देखो, हे, लिसन। किसे ढूंढ रहे हो? आज तो कॉलेज बंद है। हे! दादा रे दादा, आजकल के लड़के तो कमाल है यार।
विद्या यहाँ क्या कर रही हो तुम? वो भी रात को 2 बजे? मुझे नींद नहीं आ रही थी। तू पागल है, सब ठीक हो जाएगा, चलो। वो बात नहीं है सलोनी। तो क्या बात है बताना। मैंने तुझे उस ट्रेन वाले लड़के के बारे में बताया था ना। ट्रेन वाला लड़का? अच्छा याद आया, वो इसी कॉलेज का स्टूडेंट लगता है। पता है उसने मुझे यहाँ भी देख लिया और अब लगातार पीछा कर रहा है। पीछा कर रहा है, लेकिन क्यों? पता नहीं, लेकिन वो हर वक्त मुझे घूरता रहता है। मुझे बहुत डर लग रहा है सलोनी। अरे इसमें डरने की क्या बात है मेरी जान, तू उसे अच्छी लग गई होगी। सलोनी, ये विद्या ऐसा तो नहीं कि डेस्टिनी तुझे दोबारा मौका दे रही हो? हो सकता है वो लड़का अच्छा हो, तुम सोचो तो सही। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं शादीशुदा हूँ और मैं सोचती हूँ केवल अपने हस्बैंड के बारे में। मैं जानती हूँ कि एक दिन वो जरूर वापस आएंगे। तो ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? फॉरगेट दिस। अगर वो तुम्हें और परेशान करे तो खींच के एक झापड़ देना। चलो अब सो जाओ, चलो ना। सलोनी, सलोनी उठना, उठ उठ। क्या बात? अरे उठना, क्या हुआ? वो लड़का, तू उठना। अरे हरी, आ रही हूँ बाबा। वो लड़का जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे ना, वो नीचे कहाँ है? अरे अभी तो यही था, कहाँ चला गया? वो सामने कोई भी नहीं है, तुम्हारे दिमाग में ना सिर्फ उसकी तस्वीर बसी हुई है। एक तो प्लीज मुझे सोने दो, तुम्हारे चक्कर में मैं रात भर सोई नहीं हूँ। मैं चली सोने। चाचा आ गई। एक्सक्यूज मी, हेलो। सुनिए तो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए मुझे आपसे बात नहीं करनी, समझे? प्लीज मेरा पीछा मत करिए। देखो प्लीज, छूना मत, मुझे छूना मत। हाँ मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इतने दिनों से देख रही हूँ, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। कभी यहाँ पीछा, कभी वहाँ पीछा, कॉलेज, कैंटीन, लाइब्रेरी, जीना मुश्किल कर दिया तुमने मेरा। इस तरह तमाशा मत खड़ा करो। एक्चुअली मैं तुम्हें चाहता हूँ। आई लव यू। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बस तुम्हारा प्यार, तुम्हारा ड्रामा, तुम्हारी बदतमीजी, क्यों नहीं पढ़ने देते मुझे तुम्हारा? क्यों नहीं पढ़ने देते? आखिर जानते क्या हो तुम मेरे बारे में? बोलो, जानते क्या हो? मैं कुछ जानना भी नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार, पता नहीं क्यों। ये तो लैला मजनू का किस्सा शुरू हो गया अपने कॉलेज में। रोमियो को उसकी जूलियट मिलनी चाहिए। ए दया कर उस बेचारे पे, दे दे अपना दिल। अरे यार दुआ कर, ये तूने क्या किया? सबके सामने ऐसी इंसल्ट, अब तो लड़की का इस कॉलेज में पढ़ना मुश्किल है। दिस इज वेरी रॉन्ग दिवाकर, तुमने ये ठीक नहीं किया। मैं क्या करता यार, वही चिल्ला पड़ी तो सॉरी बोल के निकल जाना चाहिए था ना। दिवाकर तुझे अभी जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए। विद्या, विद्या ये क्या कर रही हो तुम? एक लड़के की वजह से तुम अपनी अपनी पढ़ाई, अपना करियर छोड़ के जा रही हो। तुम्हें क्या करूं? He says, वो मुझे बोलता है वो मेरे लिए कुछ भी करेगा। He's completely mad. He's completely mad. विद्या तुम फिक्र मत कर, मैं उसे देख लूंगी। We'll go to police. नहीं, मैं अपनी और इंसल्ट नहीं करवाना चाहती। अब तो कॉलेज जाने पर मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा, मेरा लौट जाना ही अच्छा। विद्या तुम उस नाच में फिर से जाना चाहती हो? शायद यही मेरी किस्मत है। विद्या रुक जा प्लीज। नहीं सलोनी, मैं जाऊंगी। एक्सक्यूज मी, दिवाकर तू
तू अकेला वहाँ क्या करेगा यार? हम लोग भी तेरे साथ चलते हैं। नहीं पॉली, मैं तुम लोगों को मुसीबत में नहीं डालना चाहता, मैं अकेले ही जाऊंगा। दिवाकर, आखिर तुमको टेंशन क्या है? और तुम्हारे घर वाले तुम्हारा साथ नहीं देंगे दिवाकर? ये स्ट्रगल मेरी अपनी है और मुझे घर वालों की हेल्प की जरूरत नहीं। शाबाश, इसे कहते हैं डेरिंग। मुझे विश्वास है दिवाकर, एक न एक दिन तुम्हारी पत्नी तुम्हें जरूर मिल जाएगी। हाँ, जीते रहो, खुश रहो। दिवाकर, टेक केयर यार, एंड गुड लक। कभी भी हमारी जरूरत पड़े सिर्फ एक फोन कर देना, हम सब आ जाएंगे। हाँ, थैंक यू, बाय। थैंक्स अ लॉट दिवाकर, ऑल द बेस्ट। भैया, कल्लू पंडित आया है अमरपुर गांव से, कुछ खास खबर लाया है। प्रणाम महादेव भाई। बोल। राम नाम सत्य हो महादेव भाई। अबे खबर बोल। महादेव भाई, जवाहर पंडित राजापुर बाजार से लौट रहा है, साथ में उसका मझला बेटा भी है। वाह, जीता रे प्यारे, वाह, क्या गाया है। भर के दो नाली चाहे मार दे, वाह। और चीज ही ऐसी है, आदमी गोली खा सकता है, उसकी आंखों का झटका नहीं खा सकता। ए साले जवाहर पंडित, पकड़ लो साले को। ये तो महादेव का भाई कीर्ति है। भाग लो मार साले, अमरपुर का ही है। पकड़ लो साले को, जान जिंदा चाहिए मेरे को। भागने की कोशिश की तो फौरी मार दिया साले। पंडित जी, हम चारों तरफ से घिर गए, चला गोली। दबा के रख, दबा के रख, दबा के रख। जानतानी चारों तरफ से घिरे हुए फूंक के रख देंगे। काम करो, तुम लोग नदी में कूद पड़ो, अपनी जान बचाओ। जाओ नहीं पंडित, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकते। अरे तू का मेरी लुकाई है, जो मेरे साथ सतियों की माई जो कहता हूँ वो कर। अगर मैं आज भाग गया तो पूरा इलाका अमरपुर की और मुंह करके मुंह का, मैं गोली खा सकता हूँ, भाग नहीं सकता। पंडित जी, मैं जो कहता हूँ वो करो। अरे ऐसे कैसे मर जाएंगे बापू, दो चार को ठोक के मरेंगे। दबा के रख, जाओ। पकड़ लो साले को, एक एक काम भी चलना चाहिए मेरे को। हम तो नहीं जाएंगे, आगे ना जाएंगे। चलते हैं, अब बाकी क्या बचाई। आ गया चार, तो हमारे कब्जे में। हाँ ठीक है, आ जवाहरा, स्वागत है तुरा मंडोर में। लारे खटियाला, बैठ जा, बैठ जा। अरे बैठ भी जा, शर्माता क्यों है, बहुत शौक है ना तुझे लौंडी का नाच देख का। इला घुंगरुला ले, बान मोरे पाँव। पांच साले, जल्दी बांध, वरना नली मुंह में ठूस कर गोली मार दूंगा। अरे बांध ही दे। ले, आ,
ये ले सज गए पांव। ए बजा शर्मा रहा है रंडवा। उंगली बड़ी हो मोरी उंगली बड़ी, उंगली बड़ी हो मोरी उंगली बड़ी, बतोरा छल्ला बड़ा छोटा 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 मोरी। बहुत शौक है ना आग लगाने का, जा अपने बेटे की चिता को आग लगा। मुझे भी मार डाल, मुझे भी मार डाल, मेरे बेटे को मार डाल। अरे और चार चिता को आग लगानी है तो है, तेरे लिए इतना ही काफी। बहुत जोर दिखा रहा है ससुरा, कुत्ते की तरह मार के फेंक देंगे। देख नहीं रहा भाई की लाश जो पड़ी है यहाँ? कुछ तो करना होगा जवाहर पंडित, कुछ तो करना होगा। मंडोर के हर घर की एक एक औरत को बेवा बना के छोड़ूंगा मैं। पहले ही पता करो कि गांव में विभीषण कौन पैदा हुआ है, कौन है वो माई का लाल जिसने गद्दारी की है, पता लगा होगा। जवाहर पंडित के मुंह पे क्या लात लगी है, एक तरफ बेटे की लाश और जवाहर पंडित के मुंह पे लात। अरे इतनी बारिश में ये रंग में भांग करने कौन ससुरा आ गया? लागा चुनरी में दाग। अरे जवान पंडित, तेरी ऐसी की तैसी जो करना है कर ले। अरे तुमसे हम क्या माफी मांगेंगे, पहले हमको पकड़ के दिखाओ जवान पंडित, फिर हमारा कुछ करना है। भी माफ करता हूँ महेशवा जी, माफ करेगा जी बाबूजी। पंडित जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी।
पंडित जी, अरे भाई, अरे भाई, अभी माफ करो, कर माफ रहेगा। पंडित जी मैं बच गया, पंडित जी मैं बच गया। क्या हुआ, क्या हुआ? मिस हो गए बाबूजी, दूसरी बार। हे बजरंगबली, मुझे बचा लो बजरंगबली। बाप तू करे और बचाए बजरंगबली। ठोक दे साले को। क्या हो रहा है? फिर मिस हो गई बाबूजी, गोलियां बरसात भी की इसलिए ठीक से अंदर नहीं जा रही। लाई था, लाई था, ला रहे पत्थर ला। पंडित जी, भगवान भी नहीं चाहता मैं मरूं। दोनों बार बच गया, गोलियां नहीं चली, आप भी मुझे मत मारिए। पंडित जी, ये भी नहीं चलेगी। पंडित जी, मक्खन की तरह चलेगी। फेंक दो साले को नदी। अरे गुल 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 गुल, हुक्का बोले। क्या बोले? हुक्का बोले। अरे भैया की दुहाई, अरे भैया की दुहाई। अरे दुखरन बेटा ताल बजा, बेटा ते उसकी माई बोला Yeah.
जानी सुन मोरी रानी तोरी जवानी बाकी दुनिया पानी पानी। भैया जी आप आधी रात को? बाप रे बाप, क्या करता है यार, शाम की ट्रेन पकड़ कर आना पड़ा। अरे ऐसे कौन सी अर्जेंट बात हो गई थी? इधर आ, बताता हूँ, बैठ। चिलकोना, मुझे विद्या शहर में मिली थी। क्या बात है, प्यार मोहब्बत का चक्कर चल पड़ा का? बहुत लंबी कहानी है यार, बाद में बताऊंगा। बस ये समझ ले कि विद्या मिली और मुझे उससे प्यार हो गया। अरे वाह, ये तो हमरे जैसे बात हो गई। आंखों से आंखें लड़ी, झूम उठा छैला, और कैसे बताएं किस्सा, मजनू से मिली लैला। बकवास बनकर, विद्या वापस गांव आई है। क्या कह रहे हैं? चिलकोना, मुझे उससे मिलना है, मैं उसके बिना जी नहीं सकता, उसको विदा कराना होगा, वो मेरी वाइफ है यार। अरे तो मिलिए ना, कौन मना किया है? बापूजी। ए बेटा, विद्या तो से मिली तो है, विद्या से प्रेम मोहब्बत हो गई, ये बातें गई तेल लेने। एक बात याद रखना, तू बहू के गांव की तरफ नजर उठाकर भी मत देखना, वरना इस घर में एक साथ तीन तीन लाशें गिरेंगी और फूकने के लिए एक आदमी नहीं आएगा गांव का। तू जवाहर पंडित को नहीं जानता है, सरवा सांप है सांप। बाबूजी, मैं जवाहर से नहीं डरता, मुझे उसकी परवाह नहीं है। तो परवाह कर परवाह, समझा? अरे तो मोहब्बत में सरासर जाती है। तो चुप कर रहे, मैं तो दूंगा एक तान के। बाबूजी, विद्या मेरी पत्नी है और वो कब हमारे घर आएगी इसका फैसला जवाहर करेगा। हाँ, क्योंकि विद्या इस गांव की इज्जत का सवाल बन गई है। भाड़ में गई इस गांव की इज्जत, अपने गरूर और गुस्से के लिए आपने एक लड़की की जिंदगी को मोहरा बना डाला आप लोगों ने। बाबूजी, मैं विद्या से मिलने जाऊंगा, जवाहर को जो भी करना है वो करे। चुप कर रहे ससुरे, ज्यादा बहस नहीं करना। कल मैं जवाहर पंडित से मिलने जा रहा हूँ, चाहे तो तू भी चल, पर जवाहर पंडित जो फैसला करेगा उसे मानना होगा, याद रखना। अरे आप कौन सा फैसला करेगा है रे? जो फैसला करना था वो कर दिया मैंने, पहले महादेव और उसके भाई की लाश गिरेगी, फिर वो मंडोर के हिजड़ों के सीने में गोली उतार दूंगा, तब वो लड़की विदा होकर तुम्हारे चौखट पर आएगी, समझा? पर चाचा, आपको समझना होगा, आपकी दुश्मनी तो महादेव से, इसमें मेरी पत्नी का क्या कसूर है? ए हरामी, ज्यादा बदकुट्टी मत कर, मोरे लिए मोरे काम की इज्जत सबसे बड़ी है। अरे मत भूल कि मेरा बेटा मरा है, जवान बेटा, उसकी चिता अभी तक मेरे कलेजा में जल रही है। ले जाओ अपनी औलाद को, और ख्याल रखना, ये मंडोर की तरफ पेशाब भी करने गया तो इसका मुर्दा आएगा वहां से। जाओ, इसकी खोपड़ी में जरा सी भी अकल होगी तो नहीं जाएगा उधर, वरना समझ लूंगा मैंने बेटा पैदा ही नहीं किया था। लौंडे पे नजर रखना, लक्षण ठीक नहीं है इसके, दिमाग में मोहब्बत का कीड़ा घुस गया है। चलो भैया जी, हम देख लेंगे इनको, चलो आओ। देखत प्रकट गगन अंगारा, अवनिन आवत एक हुतारा। सीता जी कहने लगी, विदाता ही विपरीत हो गया, ना आग मिलेगी ना पीड़ा मिटेगी, दादी सर पड़ा नहीं जाता। बिटिया तुहार चिट्ठी। दिवाकर, हाँ विद्या, तुम्हारा पति। उस दिन ट्रेन में जब तुम्हारी उदास आंखें देखी तो बिना सोचे समझे तुमसे एक रिश्ता जुड़ गया। कॉलेज में लगातार तुम्हारा पीछा करता रहा, पागल होता रहा, करीब आने की कोशिश करता रहा, और तुम उससे भागती रही। किस्मत का अजीब खेल है विद्या, जब तक मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तुम जा चुकी थी। तुम्हें बिना जाने पहचाने मेरे जुनून ने, मेरी बेखौफ चाहत ने बता दिया कि हम एक दूसरे के लिए हैं, हमें मिलना है, हम मिलेंगे विद्या। दादी, ओ दादी 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 दादी, किसकी चिट्ठी है?
दादी मैं बहुत खुश हूँ। बापू, ओ बापू, ओ बापू। ए विद्या, ये क्या किया रे? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तूने अपने मांग में सिंदूर क्यों भरा? छोड़, समझा मैं कहा?
अगर तुम्हारा मांग में सिंदूर भरा तो इसकी गर्दन काट के दो टुकड़े में कर दूंगा। बापू तुम इतनी रात कहाँ जाना है? मेरे ससुराल? क्या ये क्या कह रहे हो तुम बापू? बापू तुम मुझे इस तरह विदा करोगे? राम दुलारी मई के गए कटिया हमरी कड़ी कर गए। कौन है रे? अरे कौन जाता है बापू? कौन जाता है रे? जल्दी चलो। कौन जाता है? अरे तो भागे तेरे। अरे रुक रुक। अरे कौन है तू? अरे अरे रुक रुक। अरे संभालो बापू। जानबूझकर तो नहीं मारा तेरे बाप को, कीर्ति से गलती हो गई। वो भी का करता, गांव की इज्जत का सवाल था ना। देख अब भी तुझे लगता है कीर्ति की गलती है तो मेरे बच्चे की कसम, जुबान खोली तो उठा बंदूक और बरसा दे गोली उसके सीने पर। मोह इतनी ताकत होती तो अपने बाप की लाश देखकर चुप ना बैठता। गोली हम का चला हुआ आवत है चाचा। चुप, अब ज्यादा नौटंकी न कर, चल उठा लाश नहीं तो और फूल जाएगी। चल क्या बात है चिलकोना, क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं, सच कह रहा भैया जी, कीर्ति ठाकुर ने भाभी जी के बाबूजी को मार डाला। भैया जी एक ठो बंदूकिया ले आते तो ठीक रहता, हमारी तो बैंड बजी पड़ी है। देखिए बोलो भाग चलो यहाँ से, भागना मत, हम विद्या को लेके जाएंगे। Yeah.
स्वागत पानी से पहले मार दे क्या कहो तो मुंडी काट के अमरपुर भेज दूं दामाद जी काटेगा तू मेरी मुंडी काटेगा मजनू क्या होना ज्यादा तावड़ा दिखा दरवाजे में समझता नहीं सर ले जा अपनी बहन को छोड़ दो मुझे भैया पुत्री को छोड़ देंगे छोड़ दो मुझे भैया इस लौंडे को पुलिस थाना में हर सकुलानी से काटो कतरा कतरा साला मुझ पर हाथ उठाता है क्या हो रहा है छोड़ो तभी से छोड़ पीछे चल तभी से पीछे चल रेवड़ी समझा का बीवी मतलब ले जाऊंगा देखो इस तरह की उल्टी सीधी हरकत करोगे ना अपनी पत्नी को पाने के लिए तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे अरे उन्हीं मारेंगे तो खुद मर जाएंगे भाऊजी के गम में आप कुछ करिए देखिए इंस्पेक्टर साहब मुझे पुलिस की मदद चाहिए पुलिस इतनी आसानी से कुछ नहीं कर सकती मुझे एसपी साहब से बात करनी पड़ेगी पर तुम फिक्र मत करो मैं आज ही पुलिस हेडक्वार्टर जा रहा हूं वैसे इस केस में मुझे मीडिया की मदद की भी जरूरत पड़ेगी और पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ बड़े अफसरों की भी ये लीजिए भैया जी गन्ना खाइए अरे ऐसे बगुला की तरह मुंह लटकाने से कुछ नहीं होगा अब हमको तो लगता है कि दरोगा सत्यनारायण यादव वो भी कुछ नहीं करने वाला जो कुछ करना होगा हम ही लोगों को करना होगा वही तो सोच रहा हूँ कि क्या करूं इन लोगों की तरफ तो बंदूक तो उठा नहीं सकता ना पता नहीं विद्या वहां कितनी मुसीबत उठा रही होगी भैया जी एक आइडिया है हमारे पास लेकिन कलेजे में दम रख के करना होगा अगर कलेजे में दम हो तो बात करिए चिलकोना मैं विद्या को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं
चलो विद्या, भाग चले। उदय मारे अरे विद्या, मार दे दिमाग को, जाने नहीं जाओ, मार साले को। अगर हमने जोर जबरदस्ती से लड़की को बाहर निकालने की कोशिश की तो मामला बिगड़ सकता है। दोनों गांव में खून खराबा शुरू होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा मिस्टर कश्यप। सर, अगर दोनों गांव की बंदूकें और उनके लाइसेंस जब्त कर लिए जाएं, तो पुलिस वालों को थोड़ी आसानी हो जाएगी। यस, दैट्स द आइडिया सर। ठीक है, लेकिन इस कार्रवाई में हमें देरी नहीं करनी चाहिए। फौरन पुलिस फोर्स तैयार करो। कुछ गड़बड़ है, जा भैया को बुला के ला। महादेव जी कहाँ है? बुलाने गया टिक्का। बात है डीएम साहब, ये फौज लेकर का आए हो हमारे दरवाजे पर? अकेले आने की हिम्मत नहीं हो रही थी का? देखिए मिस्टर महादेव, हमने इमरजेंसी ऑर्डर निकाले हैं, गांव के सारे असलहे जब्त होंगे और जब तक प्रशासन चाहेगा सारी बंदूकें पुलिस थाने में जमा रहेंगी। हाँ। ये कैसे हो सकता भैया? नहीं जाने दे रहे, हमें बंदूकों की कमी है का? एक ऑर्डर मारूंगा तो ये हजार बंदूकें आ जाएगी गाँव में। जा जमा कर दे, हमारी राइफल या भी दे दे। जा राम राम। एक्सक्यूज मी मिस्टर महादेव। हाँ, कहा है? क्या ये बात सच है कि आपने इस गांव में एक लड़की को जबरदस्ती कैद करके रखा है? हाँ? आपने इस गांव में एक लड़की को जबरदस्ती कैद कर रखा है? सुबह में हम कम सुनते हैं। महादेव, पुलिस यहाँ सिर्फ बंदूकें जमा कराने नहीं आई है। तो और कहा जमा करने आई है? हम यहाँ से विद्या को भी साथ लेकर जाएंगे। विद्या? कौन विद्या? विद्या मेरी पत्नी है, जिसे तुमने कैप्चर किया है। सर, इस आदमी ने उसके पिता को भी मार डाला। ये लौंडा किसकी बात कर रहा है रे? अरे शंभू की बेटी की। हाँ वो विद्या, उसकी तो शादी भी नहीं हुई अब तक। ये झूठ बोल रहा है, नाटक कर रहा है। ए मेंढक, चुप कर, जीप खींच लूंगा लात लगा कर। कलेक्टर साहब, मैं उसे बुला लेता हूँ, आप खुद पूछ लीजिए उसकी शादी हुई है कि नहीं। ए टिक्का जा रहे, बुला कर लेकर आ उसे। शिवा को बोल बहन को लेकर आ जाए इधर। अरे कीर्ति, तब तक रेवड़ी खिलाए इन लोगों को। सुन विद्या,
वहां जाके जुबान न खोले, सीधा मना कह दिए कि तुम्हारा रिश्ता दिवाकर के साथ हुआ था, समझी ना, वरना दिवाकर जिंदा न बची। चल जल्दी कर। विद्या, इन सबको बताओ कि हमारी शादी हुई है, तुम मेरी पत्नी हो। अरे शादी हुई है तो सिंदूर कहां गवाह मांग से? डरो मत विद्या, ये मौका फिर नहीं मिलेगा हमें, तुम्हें यहां से जाने से कोई नहीं रोक सकता। बोलो विद्या बोलो। अरे हाँ बोलो ना। डरो मत विद्या, बोलो विद्या। हाँ बोल। अरे डरना बोल। वहां जाए के जुबान न खोले, सीधा मना कह दिए कि तुम्हारा रिश्ता दिवाकर के साथ हुआ। वहां जाए के जुबान न खोले, सीधा मना कह दिए कि तुम्हारा रिश्ता दिवाकर के साथ हुआ। विद्या महादेव जी, इस लड़की पे दया कीजिए, इसकी यही हालत रही तो थोड़े दिनों में यह मर जाएगी। मैं इसे विदा करने के वास्ते तैयार हूँ। अभी तो आप कह रहे थे कि इसकी शादी ही नहीं हुई है। वो तो हम नौटंकी कर रहे थे। पर मोरी एक शर्त है, जवाहिर सबके सामने मुझसे माफी मांगेगा, वो भी सर झुका के। मेरे गांव में आग लगाई थी बड़बे ने। ठीक है, वो आपसे माफी मांगेगा, मैं बात करूंगा उससे। मैं माफी मांगू महादेव से? गजब भाई बाबा, गजब भाई बाबा। देखिए जवाहर जी, रहने दीजिए डीएम साहब, रहने दीजिए, माफी मांग लेंगे बस। वो कहावत है ना कि बाजारू चीज मुफ्त में ले लो तो ससुरे बड़े गाली देते हैं। तब मंडोर की फ्री फंड में ली है तो गाली तो सुननी ही पड़ेगी, माफी भी मांगनी पड़ेगी। एक ही शर्त है मोरी डीएम साहब, मैं एक ही शर्त पर माफी मांगूंगा, अगर महादेव मोरे गांव आए। ठीक है, मैं महादेव से बात करूंगा। जय जय। डरती है कि हमसे? डरती है क्या? बंदूक से घूंघट उठाओगे तो डरना लगेगा। धत तेरी की, मुझसे डरती? मुझसे डरती है? देखना एक बार, देखना देखना। नहीं लजाती है? क्या बात है भाई, लजाती है? देख तो सही एक बार मुझको, देखना। देख 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 देख। आहा। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। खुशी की तो बात है मेरी कलेजी। वो साला जवाहर पंडित है ना, माफी मांगने को तैयार हो गया मेरे भैया से। अब देख क्या रूप जमता है मेरा भैया के एरिया में। बस भैया भैया, सब कुछ भैया ही करेंगे, या तुम भी कुछ करोगे? करूंगा ना। आ!
हट तेरी। ए लाखन। आया भाई। ए मिठाई लाल। राम राम। ए राम पलट। जाई रहे रामरपुर। जवाई राज मौसे माफी मांगेगा। पहले उसके बच्चे को लुढ़काया, फिर साले को एक लात दिया मुंह पर, और रणबाज हमारे पैरों पे भी गिरेगा। जवाहर की सात पीढ़ियां याद रखेंगी भाई कि कैसे कैसे हमने अमरपुर वालों की बैंड बजाई। है नथु भाई, आज रात को जशन होवे का चाही गाँव में। होगा भाई। ऐसी आतशबाजी, ऐसी आतशबाजी की पटाखे फूटे मंडोर में और जले अमरपुर वालों की। ऑर्डर हो तो एक बात कहूं। क्या बात है? अमरपुर मुझे जाने दो ना। जौहर मुझसे माफी मांगेगा तो गांव में मेरी धाक भी जम जाएगी और लोग कहेंगे कि यही है कीर्ति ठाकुर जिसके जवाहर ने पैर चाटे थे। भैया प्लीज इतनी खुशी मुझे भी दे दो ना। अच्छा चल जा, बाप बनने का बड़ा शौक है तो जा, पर लोग क्या बोलेंगे अमरपुर के? अरे लोगों के ऐसी की तैसी, मेरे भैया के खिलाफ एक जुबान भी निकाली ना तो वही गाड़ दूंगा साले को। चल जा। ए नत्थू टिक्का, राम शरण, तुम तीनों जाओगे इसके साथ। हाँ भाई। भैया जब मैं लौट के आऊंगा तो हाथी पे सवारी निकालोगे ना मेरी? अरे हाथी पर नहीं, मोरे कंधे पर, इधर इधर बिठा कर घुमाऊंगा पूरे गाँव में। अपना भाई जो लौटेगा जीत कर। चल जा, बैठ करते होंगे। जा साले चल। वो देखो रे भाई, वो देखो। राम राम राम। मोहब्बत भी का चीज है, कैसा छटपट आ रहा है अपनी लैला के लिए। नहीं आएगा डीएम साहब, नहीं आएगा वो। महादेव का मोरे गांव का नाम सुनकर धोती ढीली हो जाती है। डीएम साहब जाकर खोजो उसे, कहीं डर से उसकी हवा तो नहीं निकल गई, गांव छोड़कर कहीं भाग तो नहीं गया। अरे भाग के कहां जाएगा साला, बैठ के छिपा होगा अपने बीवी का पल्लू मां। महादेव कहाँ है? भैया को दुश्मन के गांव में आना अच्छा नहीं लगता। तू मोह से माफी मांग ले, मैं तुझे माफ कर दूंगा। जा। तेरा भाई नहीं आया तो मैं भी तुझसे माफी नहीं मांगूंगा। तुझसे माफी मांगेगा मेरा बड़ा बेटा। माफी तू मांग गया तेरा बेटा, मुंडी तो अमरपुर की झुकेगी ना। मंजूर है, जा जा, मंजूर है। जा रे संतोष, झुकाई दे मुंडी। हंसते हुए फांसी चलूंगा। अरे फिकर मत कर, तू पकड़ने में साले, सुप्रीम कोर्ट जाकर जमानत कराऊंगा मैं तेरी। मंडोर को कंट्रोल करो। हंगामा चल रहा है हर गांव में। ए राम शरण, कीर्ति कहां है? कीर्ति भाई को मार दिया। ए! Mm-hmm.
मुर्दे की माता जी जवागे मार दिया रे मेरे भाई को मार दिया मेरे भाई मेरी बात मानो शांत हो जाओ महादेव भाई आओ मेरे साथ चलो मेरे साथ पीछे जाओ आओ महादेव भाई आओ भैया जब मैं लौट के आऊंगा तो हाथी पे सवारी निकालोगे ना मेरी अरे हाथी पर नहीं मोरे कंधे पर इधर इधर बिठा कर घुमाऊंगा पूरे गांव में अपना भाई जो लौटेगा जीत कर धार्मिक स्वर्गति नर पापिनो दुर्गति ज्ञान्ति संसरन्ति खगा गया श्री विष्णु भगवान गरुण जी से कहते हैं हे गरुण मृत्यु के पश्चात जल शरीर में रहने वाली चेतन जीव आत्मा कहाँ जाती है उसकी क्या गति होती है उसे अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल कहाँ और किस प्रकार भोगना पड़ता है ये तुमने सुना सारी बातों का सारांश यही है कि कर्तव्यों को मोक्ष मिलता है क्या हो रहा है अमरपुर में पता नहीं हमरे भाई के मौत का सेलिब्रेशन हो रहा है सत्यनारायण
चलो। भाई तुम लोग काहे आए यहाँ? हाँ जी तेरा ए बिटिया रोना मत, एक बात ध्यान रखियो, आंख में आंसू होए तो दुनिया मारती है, अंगार होए तो डरती है, समझी? पोछ डाल आंसू। पापू तुम कब आओगे? चाचा भी नहीं है, तुम भी नहीं हो, मुझे घर में अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। हम कल आए रहे ना, और माँ है ना तोरी ख्याल रखने के वास्ते। भाई क्या है खबर? है कि पुलिस विद्या को गांव के बाहर ले जाने वाली है, और इस वास्ते कर्फ्यू तोड़ने के बहाने आपको 8 दिन की जेल की सजा दी है। विद्या को गाँव से गुल कर दो, अगर मौका ना मिले तो टुकड़े कर दो उसके। जी भाई। कोई बीच में आए तो भून डालो। ठीक है भाई। हम कल आए रहे हैं, अमरपुर में चढ़ाई हुई, मंडोर के एक एक गोली से अमरपुर के 20-20 लोग मरे का चाही, ये बात ध्यान रखियो। राजापुर के गनी भाई को हमारा संदेशा भेजो। जी। 300 असला आवे का चाही गांव में, और 1600 आदमी मरे का चाही अमरपुर में। जी। जाओ पहले विद्या को निपटाओ। भैया चाय रख दे। रख दी, पी लो। पी लूंगा, ठंडी हो जाएगी ना। क्या बात है टिक्का? विद्या को लेके जाना है। क्या बोला बे? महादेव भाई ने कहा है कि विद्या को इस गांव से बाहर लेके जाना है। क्यों? मैं कोई गाय बकरी हूँ? जहाँ कहीं भी लेके जाओगे? ए, जब जबान संभाल के बात कर, वरना लात लगा के जबान खींच लूंगा। और जाके बोल महादेव भाई को, इस गांव की इज्जत के लिए अपने बहन का घर बर्बाद किया है। मेरी बहन की तरफ किसी ने आंख उठा के देखा तो साले परलय मचा दूंगा। इतनी लाशें गिरेंगी गांव में कि सब ठकरेती घुस जाएगी। महादेव भाई को गाली दिए तूने? गाली दिया साले, तूने महादेव भाई को छोड़ दिया। चल इसको इधर, चल चल तू अंदर चल। ए तू कहां जा रही है? पकड़ो, पकड़ो इसको, पकड़ो। महादेव के कुत्ते, विद्या विद्या भाग भाग। ये लीजिए बंदूक, विद्या को छुड़ा लाई। उठिए उठिए। भैया जी कहाँ? भैया जी क्या बात है चिल्को ना, क्या हुआ? भैया जी महादेव की बीवी का संदेश आया है, गांव के लोग भाभी को उठा ले गए। क्या? हाँ जल्दी आइए। चल मेरे साथ। भैया विद्या, हमका मालूम है महादेव के कुत्ते का कहां ले गए होंगे। चल बताते हैं सालों को।
विद्या को लेकर जाओ यहाँ से। नहीं भैया, आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। मेरी परवाह मत करो, जाओ तुम लोग, जाओ जल्दी जाओ। नहीं भैया, मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। विद्या, विद्या मेरी बहन, मेरे वास्ते जा तू, जा अपनी जिंदगानी जी, जा जा, तुम लोग जाओ यहाँ से। अरे जाओ भैया जी, और शहर जाकर हमको चिट्ठी लिखना, हम भी शहर आएंगे, और सलोनी से कहना हमको उसकी बहुत याद आती है। जाओ जाओ जल्दी जाओ। अगर उस दिन गोली ना चली होती तो भैया को भाभी जी मिल गई होती। अच्छा आप बैठो। अरे मोहब्बत भी क्या चीज है, जीने का बहाना बन जाती है। कहाँ गए? भाग गए। बोल कहाँ गए, बताओ गांव के गद्दार कहाँ गए, बताओ। हाँ देव चाचा, ये गांव नहीं कसाई बाड़ा है, और तुम हो कसाई। भाई राजापुर से बंदूकें आ गई हैं। गांव के बच्चे बच्चे के हाथ में बंदूक पकड़ाए देव, दूर नहीं गए होंगे, शिकार करो सालों का।
महादेव से बचकर कहाँ जाओगे? अरे इतनी सी तो दुनिया है। अरे मुन्नी की महातारी, चल घर जा और घूंघट ओढ़ ले। इतने सब खून खराब हो रहा है ना, ना हमारी शादी होती, ना मैं अपने प्यार अपने पति के पीछे पागल होती, और ना आज इन मासूमों की जान जाती। हमारा प्यार आपका सबसे बड़ा दुश्मन है ना चाचा, हम साथ जी नहीं सकते तो साथ मर तो सकेंगे? हमें मार दो चाचा, आप हमें मार दो। हाँ बिटिया, बिल्कुल सही कहा, साथ मरने का मजा कुछ और ही है। का महादेव, हो गया ना कांड पूरा? पहले मेरे बेटे को मारा, मुझे रंडवा बोलता था, हो गया ना तू रंडवा? भगवान जी ने सच कहा है, पापियों का अंत होना ही है। महादेव ये बंदूक मुझे दे दो। ए, पीछल, पीछल, ए, आगे, आगे, ए, कोई आगे आया गोली दे दूंगा। महादेव तूने तो मोरा पूरा खानदान ही खत्म कर दिया रे जवाहिरा, अब हम जी के का करेंगे? महादेव ये क्या कर रहे हो? मरने जा रहा है, मरने जा रहा है। एका देखो, अब अपना काला मुंह किसी को दिखा भी नहीं सकता ना, बुजदिल है। ए गांव वालों, अब देखो तमाशा इसकी खुदकुशी का। ये खुदकुशी ना ही जवाहिरा, मैं निशाना साध रहा हूँ। कहा था ना मंडोर की बंदूकों की खासियत है, गोली एक खोपड़ी से निकल कर दूसरी खोपड़ी में।